आज कांग्रेस और देश ने अपने एक और दिग्गज नेता को खो दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा का दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मोतीलाल वोरा ने कल ही अपना 93वां जन्मदिन मनाया था। बताया जा रहा है कि मोतीलाल वोरा को 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। उस वक्त उनका इलाज एम्स दिल्ली में किया गया था। इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे और अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके थे। उनके निधन पर कांग्रेस बीजेपी समेत तमाम दलों के नेताओं ने अपना दुख प्रकट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों को मेरा प्यार और संवेदनाएं। मोतीलाल वोरा जी एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। मोतीलाल वोरा जी आज हमारे बीच में नहीं है। ये न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि देश के लिए, समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा जी नहीं रहे। वो उस पीढ़ी से थे जिसने सेवा की राजनीति की और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी। उनका निधन केवल कांग्रेस की क्षति नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अपना प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वह पहली बार 1985 से लेकर 1988 तक सीएम रहे थे और फिर 1989 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मोतीलाल वोरा लंबे समय तक कांग्रेस में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते रहे थे। राजनीति में आने से पहले मोतीलाल वोरा ने कई वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया और बाद में 1968 में राजनीति में प्रवेश किया था। मोतीलाल वोरा ने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम किया। 1993 में मोतीलाल वोरा ने उत्तर प्रदेश के गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी और 3 साल तक वह यूपी के राज्यपाल थे। इसके अलावा वोरा केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी संभाल चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट।